गया आ गया आ गया। अब आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में धनराज मीना भैया जी लेकर, जी हां नमकीन लेकर आ गए हैं। तो आइए देर की स्वाद के, इंतजार की स्वाद का, आइए बिल्कुल जी हां शानदार मजेदार स्वादिष्ट नमकीन का मजा लीजिए। अब आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आए हैं धनराज मीना भैया लेकर बिल्कुल स्वादिष्ट मजेदार शानदार नमकीन। दोस्तों इस तरह के प्रचार ऑडियो बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8986382397। जी हाँ नंबर नोट करें 89 86 38 23 97 पर कॉल करके आप हमसे ऑनलाइन प्रचार बन चार गाड़ी के पास आएंगे वही तो नमकीन खा पाएंगे, वरना दूर खड़े खड़े ललचाएंगे। तो देर किस बात की, आइए माँ जी, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास आइए और खाइए बिल्कुल शानदार मजेदार स्वादिष्ट नमकीन। जी हाँ हमारे पास सभी प्रकार के नमकीन उपलब्ध है एवं मिक्सचर भी उपलब्ध है। तो देर ना करे, जी हाँ अब दिल लगाने की बात करें, आसियाने की बात करें, लाए हैं हम आपके लिए बिल्कुल शानदार मजेदार स्वादिष्ट नमकीन। तो अब खाने की बात करें। दोस्तों इस तरह के प्रचार ऑडियो बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8986382397। जी हाँ नंबर नोट करें 89 86 38 23 97 पर कॉल करके आप हमसे ऑनलाइन प्रचार। हाँ नमकीन खाइए ऐसा कि बेकार ना जाए पैसा। तो देर ना करे, आइए बिल्कुल मजेदार नमकीन मिलेगा हमारे यहाँ पर। जी हाँ इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर शादी पार्टी वो किसी भी प्रकार के शुभ अवसर पर नमकीन बनाने का ऑर्डर भी लिया जाता है। ऑर्डर देने हेतु संपर्क। दोस्तों इस तरह के प्रचार ऑडियो बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 89 86 38 23 97। जी हाँ नंबर नोट करें 89 86 38 23 97 पर कॉल करके आप हमसे ऑनलाइन प्रचार। फर्जी के बिना कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। और हाँ इतना सुंदर वो स्वादिष्ट शानदार मजेदार नमकीन खाने का इससे अच्छा मौका आपको कभी मिल नहीं सकता। प्रचार कैसेट के निर्माता एस कुमार पर्वत्ता प्रचार रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी हाँ किसी भी प्रकार के प्रचार रिकॉर्डिंग बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है 89 86 38 23 97 पर कॉल करके आप हमसे ऑनलाइन भी प्रचार बनवा सकते हैं। जी हाँ नंबर नोट करें 89 86 38 23 97 पर कॉल करें। जी हाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना।